पे कैसे कर सकते हैं ठीक है फिर हमने ये भी देखा था कि मल्टीपल अगर एक क्यूरी के अंदर एट अ टाइम हमने असेंडिंग भी करना हो डिसेंडिंग भी करना हो लाइक like, एक कॉलम को असेंडिंग करते हैं दूसरे कॉलम को डिसेंडिंग करते हैं तो वो भी हम लोगों ने जो है लॉजिक देखी थी ठीक है क्यूरीज देखी थी सो so, आज के लेक्चर पे मूव करते हैं टूडे वी आर गोइंग टू मूव लेक्चर नंबर एटीन कॉन्टेंट इज माई नल वैल्यूज ठीक है अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं आ, दो चीजों को हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे एक तो है एम रिकॉर्ड अब एम रिकॉर्ड और नल में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ठीक ठीक है है बेसिकली हैं दोनों एक चीज ही ठीक है? मतलब कि नल भी वही चीज है मतलब एक कॉलम है कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड की स्लॉट है ठीक है उस स्लॉट के अंदर कोई चीज नहीं है वो नल भी हो सकती है वो एम भी हो सकती है अभी मैं रनिंग फॉर्म में आपको बताऊंगा ठीक है तो अब ये है नल वैल्यूज मतलब एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी साथ आपको एग्जाम्पल देता हूँ हमारे पास पचास का रिकॉर्ड पड़ा है ना इंप्लॉयज का ठीक है पचास पचास इंप्लॉयज हैं अब किसी बंदे ने डाटा बेस बनाई जब उसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा था तो उस टाइम उसने जो है जल्दी जल्दी में कुछ वैल्यूज इंसर्ट की कुछ शायद तो उसको नाम नहीं पता था उसने वो छोड़ दी जगह लेकिन बाकी चीजें उसने फिल कर दी उसको एक लिस्ट दी गई कि करते हैं हम लोग ठीक है हम एक एग्जाम्पल से कर रहे हैं उसको अब उसने क्या किया रिकॉर्ड कि इंसर्ट किया कुछ एम्प्लॉयज का नाम नहीं था कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं थी कुछ एम्प्लॉयज का उसको जो डेजिग्नेशन है वो नहीं पता था अब उसने क्या किया उनको खाली छोड़ दिया जब उनको वो खाली छोड़ेगा लाइक मतलब

वो भी जो है वो क्या है एम है ठीक हो गया दोनों मतलब एक तरीके से हाल लेकिन दोनों की क्यूरी चेंज है क्यूरी सेम नहीं है दोनों की याद रखिएगा इसलिए मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं है कि अगर एम है उसकी भी वही क्यूरी है और नल है तो उसकी भी वही क्यूरी है, नहीं ऐसा नहीं है अगर नल है तो नल की एक अलग क्यूरी है एम है तो उसकी एक अलग क्यूरी है ओके हो गया अब वहां पर सारे रिकॉर्ड थे काफी चीजों में नल है अब कोई बंदा आता है वो देखता है कि यार काफी जगहों जो नल अब उसने क्या करना है बंदे ने कोई और बंदा आता चेक करें वो कहते यार मुझे वो सारे टीचर्स शो करो जिनका नाम नहीं है तो हम कौन सी क्यू लगाएंगे नल की आप सिंपल नल की क्यों लगाएंगे गएंगे आपको सारे के सारे टीचर्स आ जाएंगे जिनकी जिनका नाम है ही नहीं फिर वो क्या करेगा देखेगा अच्छा यार इनका नाम नहीं इनका नाम, नाम इंसर्ट करो मतलब तो एकदम उसको वैल्यू मिल जाती है मतलब बंदे वो एम्प्लॉय शो हो जाए अब फिर आते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं हमने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना है ताकि हम वो सब उन टीचर्स को डिलीट कर दे जिनका नाम है ही नहीं ओके हो हो गया गया या या मिसप्लेस फिर जो है वो टीचर्स आए थे छोड़ के चले गए उनका नाम हमें इतना हमने नोट नहीं किया जो भी है इवन हम एक कर एग्जाम्पल दे रहे होता नहीं है बट एक एग्जाम्पल देते हैं अब हम क्यूरी क्या लगाएंगे कि यार वो सारे दें जो जिनका नाम नल नहीं है लाइक जो मौजूद हैं उस स्लॉट में उस स्लॉट में जिनका नाम लिखा वो सारे शो करें जिनका भी वो स्लॉट खाली है वो मुझे दिखाओ ना तो वो क्या करेगा जैसे एग्जाम्पल तो दस बंदे इम्प्लॉयज ऐसे थे जो जिनका नाम नहीं था तो उसने क्या किया उनको गायब कर दिया बाकी सारे सही वाला रिकॉर्ड वो आपको शो कर देगा ठीक है ये आप किसी भी कॉलम पे यूज कर सकते इस तरह एम का भी है तो इन दोनों को हम लोग क्यूरी के साथ देखते हैं ठीक है सो चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्क बेंच पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ओके सो जो है ये हम लोग पहुंच गए पे मेरी ऑलरेडी वही जो है डेटा है टेबल है, वो ही है, कॉलम्स कुछ मैंने कि, हाँ मैंने ऐड नहीं एक चीज ऐड की मैंने कुछ रिकॉर्ड की फ्रॉम हाँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा मैं थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं आप करता क्या को अच्छी समझाक्ट स्टैटिक फ्रॉम और मैं यहाँ पे लिखूंगा टीचर्स इसको आप क्यूरी को रन करें और यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड को दिखाता हूँ साहब तो देखें काफी ज्यादा रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा पहले हमारे पास रिकॉर्ड है टेन थे तो अब मैं इलेवन भी रिकॉर्ड लेके आया हूँ दिखाऊँ रिकॉर्ड ठीक है तो यहां से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें आप इस पे जाए जिसकी आई डी वन 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 ट्रिपल वन है तो इसमें देखें यहाँ पे खाली है जहां पे मैंने क्लिक किया हो देखें उसका डिपार्टमेंट क्या है एम्प्टी है नॉट नल नहीं है उसका डिपार्टमेंट क्या है खाली है

इंसर्ट कर रहे होते वैल्यूज तो उसको, उसको, हो मतलब मतलब उसको लाइक एक तरह का जैसे स्ट्रिंग वैल्यू तो मैंने सिंगल कोटेशन लगा दी मैंने अंदर कोई वैल्यू नहीं दी ठीक है जैसे एग्जांपल तो यहाँ पे ना यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ कि ये जैसे ये ये मतलब यहाँ पे इसको इस तरह खाली छोड़ दिया मैंने बस

कॉलम उठाना है सबसे पहले हम कहते हैं कि यार वो सारे टीचर मुझे दो जो एम टी है अभी हम नल को नहीं देख रहे जो क्या है एम टी अब इन सब टीचर्स में से कौन सा बना है एम टी मुझे बताए जिसकी आईडी क्या है वन वन फाइव ठीक है तो अब देखें मुझे अपना रिकॉर्ड सही चाहिए ठीक है तो देखें ऊपर सारे रिकॉर्ड ठीक है यहाँ पे आके मेरे रिकॉर्ड में गड़बड़ हो गई है मुझे एक नामी नाम ही नहीं मिल रहा अब जब मैं यहाँ पे क्यों नीलाऊंगा एम टी वाली तो अब दो बने एम टी है ये भी एम टी है ये नल है तो मुझे नल वाला तो देगा नहीं क्योंकि नल की अलग क्यूरी है और एम की अलग क्यूरी है ठीक है एम टी मेन्स लाइक की स्पेस हमारे पास आ आई तो यहां पे मैं क्या लिखाऊंगा वेयर और यहाँ पे टीचर नेम भी जो हम क्या लिखेंगे वेयर टीचर नेम इक्वल टू ये सिंगल कोटेशन सिंपल आपने ये खाली चेक करना ये अब इसका क्या मतलब है देखें एम हम इसको एज ए एम टी कंसिडर कर रहे हैं एम टी होता नहीं एक तरह की स्पेस में आता है एम टी हो गया अब मैं सिक्योरिटी को जब रन करूंगा ना तो मेरे पूरी डेटाबेस में नाम टीचर नेम के कॉलम में ये जाएगा देखिएगा जिस जिसका नाम टीचर का नाम एम है लाइक इस तरह है वो सारे आपको शो कर देगा अभी देखिए मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक ही रिकॉर्ड शो होगा कौन सा वन वन फाइव वाला इसको हम रन करके देखते हैं देखे कौन सा रिकॉर्ड है मेरे पास वन वन मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड था जो कि नल था वो भी एम था लेकिन नल की क्यूरी मैंने क्या बोली नल की क्यूरी चेंज है। आपको ये दोनों का पता होना चाहिए ठीक तो तो परेशान हो जाते हैं वो भी नल रहा है, मतलब दोनों की, दोनों में नहीं है ना। तो हम जब ये लगाते चलती ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफ्रेंशियट कर लिया अच्छा अब ये तो हमारे पास हो गया एम का आपको समझ आ गया अब मैं कॉलम इसको चेंज करके दिखाता हूँ मैं कहता हूँ कि यार इसको रिमूव करता हूँ ठीक है क्यूरी को रन करते हैं और देखते हैं अब डेजिग्नेशन की बात करें तो देखें डेजिग्नेशन कितने एक दो ये दोनों नल है ये तीसरा भी न, मतलब एम है तो इन शो उन किस को करेगा वन वन फोर यहाँ क्या लिखते हैं वेयर डेजिग्नेशन इक्वल टू क्या होगा सिंपल इसको आपने आपने इसको इस तरह रखना और इसको रन कर देना तो रन करेंगे दो वैल्यूज आएंगी ये देखें दोनों आगे वन वन फोर एंड वन वन फाइव तो अपने डेजिग्नेशन को देखा तो डेजिग्नेशन की बेस को क्या करता है लेके आता उम्मीद है आपको एम की समझ आ गई होगी अब हम बात करते हैं किसकी नल की ठीक है अच्छा अब नल की अगर तो मैं बात करूं सबसे तो पहले हम टीचर नेम की बात करते हैं टीचर नेम में नल कौन है नल एम टी लाइक वन वन सेवन नल लो ठीक है तो अब मुझे सिर्फ ये वन वन सेवन होगा ये वाला शो हो नहीं होगा ठीक है तो मैं क्या करूं यहां पे लिखता हूं वेयर टीचर नेम अब यहां पे इज इक्वल टू आपने नहीं डाला आपने लिखना है यहाँ पे इज नल ये लिखना होता है पूरा ठीक है अब यहाँ पर रन करूंगा मुझे रिकॉर्ड नहीं देगा मुझे रिकॉर्ड देगा one, one, seven. तो ये देखें one, one, seven. मुझे इसने क्या किया रिकॉर्ड आंसर किया ओके हो गया अच्छा अब इसका उल्ट भी है इज नॉट नल अब देखिएगा इज नॉट नल में अगर आपको बताऊं यहाँ पे आप लगाएंगे नॉट नल जब आप नॉट नल लगाएंगे ना तो वन वन सेवन को छोड़ के जो हमने नल वाली वैल्यू थी उसको छोड़ के सारी वैल्यूज दिया देखें।, देखें वो वन वन सेवन ही इसने गायब कर दी है तो मतलब ये एक तरह का अच्छा डाटा जो है आपको शो करता है मतलब आप अभी तो हमारे पास एक रिकॉर्ड नल था ना मतलब मैं कहता हूँ कि डेढ़ सारे रिकॉर्ड जो नल थे टीचर नेम में कॉलम के अंदर तो वो सारे के सारे ये क्या कर देगा गायब कर देगा ओके okay हो गया तो ये काफी जगह पे यूज भी होती है अगर आपने अपने डेटा को अच्छा दिखाना है जो ऐसा डेटा जो नल है जिसमें वैल्यूज मिसिंग है आप उनको गायब कर देते हैं और जो तो प्रॉपर डाटा होता है वो आपको क्या हो जाता है शो हो जाता है उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई जो ये बेसिकली जो है डिफरेंस है आ, इस नल का नॉट नल का और एम टी जो है हम लोग देते हैं ठीक है स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि वो ये इन चीजों में डिफरेंस तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया मोस्टली नल जो है ना नल ज्यादा यूज होता है ना मतलब ज्यादातर हम लोग नल रखते हैं जब हमें वैल्यू नहीं देनी है तो हम नल रखते हैं एक्चुअली अब बात ये आती है कि इसको तो हम आगे देखेंगे एक्चुअली अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नल हम रख क्यों रहे ये तो हमने खतूम किया है ना अभी एग्जाम्पल ली है बट असल में जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम लोग इन कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई नल होना ही नहीं है आपने बात समझ आई कि नहीं आई देखें यहाँ पे ये भी नल हो रहा है मतलब मैं अभी जब आप लोग बनाएंगे जब बनाते हैं इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं तब आप आप इसको इसको इतना रिस्ट्रिक्ट करें इसको ऐसा नल नल कि ये जो है जब रिकॉर्ड कोई भी नल रखेंगे या कोई हाली छोड़ेंगे तो वो आपको अर देगा कि भाई इसको आप हाली मत छोड़ो इसको नेम दो फिर वो बंदा इसको नेम देगा फिर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होगा कहीं भी किसी भी कॉलम में नल नहीं होगा उम्मीद है आपको जो है ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें सो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच जिजाक